हाँ जी, आ गए सब लोग। 1 month पहले, नॉट एग्जैक्टली 1 month पहले, बट 16 जुलाई को हमने इसी चेयर, इसी टेबल, इसी कमरे के साथ व्लॉगिंग शुरू करी थी। एंड अब 1 month बाद हम इसी चेयर, इसी टेबल, इसी कमरे में बैठे हैं। कोई चेंज ही नहीं आया। आज बाहर चलते हैं। Got a lot on yours, but we can run like the wind, baby. Go lock the door. You know we lose it sometimes in love and war, but we roll like a river. We'll reach the shore. Sink slowly, just hold me. I just wanna spin around in circles. I'll fall on the ground. We'll da 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 da. Down and drunk and dizzy for it. Come on, I'll fall on the ground with you. चलो, अब आ गए घर के बाहर। अब तो ठीक है क्या? अभी भी ठीक नहीं है, और चाहिए। अबे यार, What is up guys, this is Samar Chawal, welcome to my YouTube channel। यार इतनी मेहनत करी है इंट्रो में, यार अब तो पहले ही कह रहा हूँ मैं, सब्सक्राइब और लाइक पहले ही बनता है। इतनी मेहनत करी है तुम्हारे लिए, स्पेशली बाहर आए हैं। अभी फोकस भी है कैमरा के, नहीं ये भी नहीं पता चल रहा मेरे को। अभी यहाँ पे आवाज़ की प्रॉब्लम भी आने वाली है तुम्हें, पक्का आ रही होगी। तो आवाज़ की प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये है कि हम रिकॉर्ड करें फ़ोन में। अब पहली बात तो ये, तुम हमेशा ये पूछते हो कि यार ये फ़ोन क्यों पड़ा होता है तेरी टेबल के साथ जब भी तू कैमरा रिकॉर्डिंग कर रहा होता है या मतलब कुछ भी दिखा रहा होता है। जनरली मेरी टेबल में एक ट्राईपॉड पे लगा हुआ छोटे सा फ़ोन पड़ा होता है, वो बेसिकली इसलिए है कि रिकॉर्डिंग के लिए वो चीज़, बिकॉज तुम्हारे भाई के पास माइक नहीं था पहले, अब माइक आ गया है, उसमें भी थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशन आई थी। अबे यार इतना शोर, तो वो कॉम्प्लिकेशन में तुम्हें आने वाली चीज़ों में बताऊँगा। आज मैं स्पेशली वीडियो इसलिए बना रहा हूँ बिकॉज एक छोटी सी अनाउंसमेंट है करने के लिए। अनाउंसमेंट है सच, ऐसी वाली अनाउंसमेंट नहीं कि मेरी ज़िंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है, बट एक ऐसी वाली अनाउंसमेंट है कि एक चीज़ जो मैं करने वाला हूँ यूट्यूब पे। तो मैं सोच रहा था 7 days 7 vlogs की एक सीक्वल स्टार्ट की जाए। अब सुनने में ज़रूर लगता है कि थोड़ा बोरिंग है, अबे यार गाड़ी इतनी है, मैं यहाँ नहीं बना रहा। गाड़ी में बैठ के थोड़ा ठीक लग रहा है मेरे को लगता है। अरे यार गाड़ी में बैठ के पता कैसी फील आ रही है। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। तो यार हाँ, मैं कह रहा था कि 7 days 7 vlogs करने के कॉन्स मुझे क्या लगते हैं, मुझे क्यों नहीं पसंद था। तो मैं जब यूट्यूबिंग कर रहा था, एज इन मैं जब यूट्यूब में आया, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ क्लियर थी यार कि मुझे जो भी कंटेंट देना है वो क्वालिटी कंटेंट देना है। मुझे रेगुलर वीडियो पोस्ट करना उतना पसंद नहीं आता, एज इन कि मैं हर हफ्ते 2 videos निकाल रहा हूँ, बल्कि महीने में 4 videos में भी थोड़ा थोड़ा लगता है यार कि नहीं हो पाएगा। द रीज़न इज़ नॉट दैट कि मैं जल्दी जल्दी बना नहीं सकता, द रीज़न इज़ दैट कि यार देखो हम सिंपल स्टूडेंट्स हैं, हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है, खास कर लॉकडाउन के टाइम पे जब कॉलेजेस बंद हैं, कहीं जा नहीं सकते, कुछ खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते। तो उस केस में हमारी लाइफ कुछ भी नहीं है यार, एक सिंपल घर पे बैठे बैठे कमरे में बैठे बैठे निकल जाती है। इस टाइम पे अगर मैं हफ्ते में 2 videos बना रहा हूँ, तो यार आप खुद सोचो ना कि मेरे पास जब कंटेंट ही छोटा सा होगा और मैं हफ्ते में उसको 2 बार दिखा दिया, तो मेरे पास अगले हफ्तों में करने के लिए क्या बचेगा। तो फिर पॉइंट ये रहता है कि आप, क्योंकि आपको ज़्यादा वीडियोस डालनी है, तो आप फिर कंटेंट को घसीटने लगते हो। अब कंटेंट को घसीटने का ये मतलब होता है यार कि आप बहुत वेली वेली वीडियोस डाल रहे हो कि मैं ये करने गया, मैं अपने फ्रेंड के साथ वो करने गया, और लोगों ने भी देख ली, व्यूज़ भी आ गए, आपका चैनल भी चल गया, पर यार अंदर से संतुष्टि नहीं होती उससे। बिकॉज आपको पता है आप जो कंटेंट बना रहे हो वो आपको ही जब उतना वो नहीं लग रहा, इंटरेस्टिंग या एनग्रॉसिंग नहीं लग रहा,
तो दूसरे लोग चाहे व्यूज डाल भी रहे हैं तब भी उनको भी कोई अलग एक्सपीरियंस नहीं देगा वो. ठीक है, आपकी लाइफ का एक ब्लॉग था, उन्होंने वो देख लिया. तो इसलिए एक रीज़न था कि मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी वीडियोज़ डालने का मन नहीं था. दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बताया, यूट्यूब क्वालिटी पे उतना फोकस नहीं करता जितना क्वांटिटी पे करता है, और ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला. YouTube चाहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखें. रादर देन एक वीडियो पे 700 व्यूज़ से बेटर YouTube प्रेफर करता है कि 8 वीडियोस पे 150 व्यूज़ एवरेज ऑन ईच वीडियो. तो उससे ज़्यादा व्यूज़ काउंट हो रहे हैं, बट एट द सेम टाइम जो 8 वीडियोज़ हैं उनका कॉन्टेंट उतना अच्छा नहीं है, बट उसको YouTube को उससे कोई लेना देना नहीं है. तो पर अब आप सोचोगे कि मैं फिर 7 days 7 vlogs क्यों करने जा रहा हूँ, है ना भाई, क्योंकि वो भी तो वही कंटेंट है कि 7 दिन में आप 7 videos बना के एडिट करके डाल भी रहे हो, तो मतलब इतना फास्ट कैसे काम करूँगा यार. देखो, पहला रीज़न 7 days 7 vlogs का मेजर रीज़न जो ये है, उससे एडिटिंग मेरी शार्प होगी, और मैं इसलिए वो करना चाहता हूँ बिकॉज 7 days 7 vlogs मतलब मेरा दिन पूरा पैक्ड रहेगा. ये बात सही है कि मेरे पास दिखाने को कुछ ऐसा नहीं होगा कि भाई मैं हिमालय ट्रैक करने चला गया आज, कल मैं रिवर राफ्टिंग कर रहा हूँ, आज मैं बंजी जंपिंग कर रहा हूँ, ना इतना कुछ नहीं होगा. ज़िंदगी अपनी सिंपल है, बट हाँ एक चीज़ मैंने समझी कि व्लॉगिंग बेसिकली क्या है, अपनी डे टू डे लाइफ को वीडियोज़ में डालना, राइट. ऑब्वियसली मैं सिंपल व्लॉगिंग तक तो सीमित नहीं हूँ, आपने देखा मेरे चैनल पर सिनेमैटिक वीडियोज़ हैं, मेरे चैनल पर स्टोरी टेलिंग है, तो मेरी लाइफ का वो बहुत बड़ा हिस्सा है. सिनेमैटिक वीडियोस, फोटोग्राफी, एनिमल्स रेस्क्यू एंड फिटनेस आल्सो. मैंने फिटनेस पे अभी तक कुछ नहीं डाला हुआ, तो वो भी आएगा. तो व्लॉगिंग बल्कि मेरी लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर किया जाए. अब एक्सप्लोर आप कहोगे तुम वैसे भी तो कर सकते हो नॉर्मली, तो इसको मैं थोड़ा पुश करके एक्सप्लोर क्यों कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा सा प्रेशर बने. प्रेशर के अंडर जब मैं काम करूँगा ना, अभी जैसे सपोज मैं एक वीडियो एडिट करने बैठता हूँ, मुझे लग जाते हैं 4-5-6 घंटे लग जाते हैं. ऑब्वियसली जब मैं 7 दिन वीडियोज़ एडिट करूँगा, माना वो वीडियोज़ उतनी लंबी नहीं होंगी, 10-12 मिनट की नहीं होंगी, चलो मैं कहता हूँ 5-6 मिनट की होंगी, बट एटलीस्ट कुछ तो होगा. तो अगर मैं उनको एडिट करने बैठूँगा, पहले दिन मेरे 3 घंटे लगेंगे, दूसरे दिन में भी 2 घंटा 40 मिनट, तीसरा दिन में भी 2.5 घंटे, चौथे दिन में भी 2 घंटे. तो बात सिंपल ये है कि प्रैक्टिस. मैथ्स वाले सौरभ सर कहते थे, याद कर लो यार सारे स्प्रिंगर्स के बच्चे, सौरभ सर कहते थे मैथ्स आती है प्रैक्टिस से. तो व्लॉगिंग भी कुछ मैथ्स की तरह, मतलब शायद, पता नहीं. तो बात सिंपल ये है कि एडिटिंग व्लॉगिंग के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, आपका हाथ बैठा होना चाहिए, आपको अगर जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अडोब प्रीमियर प्रो या कोई भी, उसमें आपका हाथ बैठा होना चाहिए. हाथ कैसे बैठेगा, उसको प्रैक्टिस करके. तो ये मेरा प्रैक्टिस पीरियड है. इसमें ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ तगड़ी चीज़ें दिखाने वाला हूँ, बट एट द सेम टाइम मैं कुछ ट्राई करूँगा कि मैं बोरिंग भी ना होने दूँ. अपनी डे टू डे लाइफ को मैं कितने ज़्यादा इंटरेस्टिंग वे में दिखा सकता हूँ, मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा वो चीज़ करने के लिए. तो बस यार, ये वीडियो जो थी ना, ये एक अपडेट वीडियो थी, प्लस ये एक अनाउंसमेंट वीडियो थी, जिसमें मैं तुम लोगों को बताना चाहता था, और मेरा वैसे ही मन कर रहा है कि मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर लूँ. थोड़ा फन तो हर वीडियो में होता है, जैसे तुमने इसमें भी देखा. तो बस मैं चाहता था कि मैं तुम लोगों को बताऊँ कि मैं ऐसे करने वाला हूँ. ये नहीं मैं कह रहा कि मैं कल से ही करूँगा, कल एज एन जब भी ये वीडियो अपलोड हो रही है उसके अगले दिन से जब होगा तुम्हें पता चल जाएगा, बिकॉज फर्स्ट वीडियो का टाइटल होगा 7 days 7 vlogs. तो समझो जिस दिन से वो वीडियो स्टार्ट हो गई है, उसके दिन कंसेक्यूटिवली अगली वीडियोस आती जाएंगी 7 दिन तक. तो ऑन दिस नोट, घूमना है क्या अभी और देखना है क्या कुछ? ये देखो अब तो अंधेरा भी होना शुरू हो गया. ये देखो पर यार सनसेट बहुत सुंदर हो रहा है, मजाक की बात नहीं है. सो ऑन दिस नोट गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग. लाइक तुम्हें पता है क्या करना है, कमेंट भी, सब्सक्राइब भी, सब पे सब पे ठोकनी है ताली. So, bus, chalte hain. Peace out. Spinning around in circles, awful on the ground. Wheel, da 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 da. Wheel, da da da.